देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए वार्तालाप टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हर खबर आपके फोन पर। खबर चंदौली से है। आम आदमी पार्टी चंदौली द्वारा आज मुगलसर विधानसभा के अलीनगर सकलडीहा तिराहे पर केजरीवाल फ्री बिजली गारंटी योजना के लिए कैंप लगाया गया। कैंप को संबोधित करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता और जिला प्रवक्ता संतोष कुमार पाठक एडवोकेट ने कहा कि दिल्ली सरकार दिल्ली राज्य के हर परिवार का 10,000 से 12,000 रुपए प्रतिमाह बचा रही है। उन्होंने इसे गिनाते हुए कहा कि दिल्ली में लोगों का 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, जिससे उनका प्रतिमाह 2,000 रुपए बच रहा है। वहाँ बेहतरीन शिक्षा सरकारी स्कूलों में दी जा रही है, स्कूल बहुत अच्छे बन गए हैं, इसलिए वहाँ प्रति परिवार कम से कम 3,000 रुपए की शिक्षा में बचा रहा है। मेडिकल सेवाएं अरविंद केजरीवाल ने विश्व स्तरीय बना दी हैं, जिससे प्रति परिवार 3,000 बचा रहे हैं। इसके अलावा महिलाओं को फ्री बस यात्रा कराई जा रही है, जिससे प्रतिमाह लगभग 2,000 से 3,000 रुपए दिल्ली वालों के बच रहे हैं। यही नहीं, बुजुर्गों दिव्यांगों का पेंशन 2,500 प्रतिमाह है। बुजुर्गों लोगों को फ्री तीर्थयात्रा कराई जा रही है। जिला कोषाध्यक्ष प्रवीण चौबे ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने एक नया मॉडल प्रस्तुत किया है, जिसकी सराहना पूरे विश्व में कई देश कर रहे हैं। अनुबाला पटेल ने कहा कि केजरीवाल की सरकार किसी अन्य राज्य सरकार की तुलना में महिलाओं के लिए सबसे बेहतरीन सुरक्षा प्रदान कर रही है। पूरे दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे जगह जगह लगवाए गए हैं, साथ ही महिलाओं को सरकारी बसों में आने जाने के लिए किराया भी नहीं देना पड़ता, क्या अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। इस अवसर पर जिला प्रवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता संतोष कुमार पाठक एडवोकेट जिला कोषाध्यक्ष प्रवीण चौबे आदि अन्य लोग मौजूद रहे।